नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को ताकि नए नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज हम आपको अलसी के बीज के खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। अलसी के बीज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर अलसी के बीज का सेवन किया जाए तो इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहने के साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं। हर उम्र में जवान दिखना चाहते हैं तो रोज करें इसका सेवन। दोस्तों अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनने या उसे जमने से रोकता है, क्योंकि रक्त का थक्का बनने से रक्त के प्रवाह में बाधा आती है और अटैक की संभावना बनती है। अलसी इस संभावना को समाप्त करती है या शरीर के अतिरिक्त वसा को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होने में सहायता मिलती है। यह रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। तो आइए जानते हैं दोस्तों अलसी के फायदों के बारे में और अलसी का सेवन करने का तरीका क्या है। दोस्तों हमें प्रतिदिन 30 से 60 ग्राम अलसी का सेवन करना चाहिए। 30 ग्राम आदर्श मात्रा है। अलसी को रोज मिक्सी का ड्राई ग्राइंडर में पीसकर आटे मिलाकर रोटी पराठा आदि बनाकर खाना चाहिए। डायबिटीज के रोगी सुबह शाम अलसी की रोटी खाएं। कैंसर में वुड बिंग आहार विहार की पालना पूरी श्रद्धा और पूर्णता से करना चाहिए। दोस्तों तो आइए जानते हैं अलसी के फायदे। दोस्तों अलसी पाचन तंत्र को सही रखने में बहुत ही सहायक है, क्योंकि अलसी के बीज फाइबर निहित होते हैं जो स्वास्थ्य पाचन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अलसी में वसा फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और हमारा वजन तेजी से घटता है। और हर उम्र में जवान रहने के लिए वजन कम करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें नियमित रूप से अलसी का सेवन करना चाहिए। अलसी के बीज का नियमित रूप से सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद मिलती है। अलसी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। अलसी के बीज का सेवन करने से आप हर उम्र में जवान दिखाई देंगे। अलसी की पुल्टिस का प्रयोग करके गले और छाती के दर्द, सूजन तथा निमोनिया और पसलियों के दर्द में लगाकर किया जाता है। इसके साथ यह चोट, मोच, गठिया, जोड़ों की सूजन, शरीर में कहीं गांठ या फोड़ा होने उठने पर लगाने से शिखर लाभ पहुंचाती है। दोस्तों अलसी के तेल और चूने के पानी का मिश्रण आग से जलने के घाव पर लगाने से घाव बिगड़ता नहीं और जल्दी बढ़ता है। पथरी, सुजाक एवं पेशाब की जलन में भी अलसी का फांट पीने से रोग में लाभ मिलता है। अगर आपके कमर या जोड़ों में दर्द है तो अलसी का तेल 15 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसी कार्य के लिए इसके बीजों का ताज़ा चूर्ण भी 10-10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ प्रयोग में लिया जाए नाश्ते के साथ, तो उसमें भी फायदा मिलेगा। बवासीर, भगदर, फिशर आदि रोगों में अलसी का तेल लेने से पेट साफ और मल चिकना और ढीला निकलता है, इससे इन रोगों की वेदना शांत होती है। अलसी के बीजों का मिक्सिंग में बनाया गया दरदरा चूर्ण 15 ग्राम, मुलट्ठी 5 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम, आधे नींबू के रस को उबलते हुए 300 ग्राम पानी में डालकर बर्तन को ढक दें। 3 घंटे बाद छान कर पिए। इससे गले व सांस की नली का कफ पिघल कर जल्दी बाहर निकल आएगा और मूत्र भी खुलकर आने लगेगा। अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो डायबिटीज के रोगियों को कम शर्करा व ज़्यादा फाइबर खाने की सलाह दी जाती है। अलसी व गेहूँ के मिश्रित आटे जहाँ अलसी और बराबर मात्रा में हो, इसे खाने से बहुत ही फायदा मिलता है डायबिटीज के रोगी को और डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। तो दोस्तों ये थे अलसी खाने के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।